मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है लेकिन हमें यह भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो वायरस नहीं गया है बीते सात आठ महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है फर्टालिटी रेट कम है भारत में जहां प्रति दस लाख जनसंख्या पर करीब साढ़े पांच हजार लोगों को कोरोना हुआ है वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा पच्चीस हजार के करीब है भारत में प्रति दस लाख लोगों में मृत्यु दर तिरासी एटी थ्री है जबकि अमेरिका ब्राजील स्पेन ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा छह सौ के पार है दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है 12,000 हजार क्वारंटाइन सेंटर्स है कोरोना टेस्टिंग के करीब 2000 हजार लैब्स काम कर रही है देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही दस करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है सेवा परमो धर्म के मंत्र पे चलते हुए हमारे डॉक्टर हमारे नर्सिस हमारे हेल्थ वर्कर्स हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है हाल के दिनों में हम सबने बहुत सी तस्वीरें वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने आप को अपने परिवार को अपने परिवार के बच्चों को बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं आप ध्यान रखिए आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है साथियों संत कबीरदास जी ने कहा है पक्की खेती देख के पक्की खेती देख के गर्व किया किसान अजहू जोला बहुत है अजहू जोला बहुत है घर आवे तब जान अर्थात कई बार हम पक्की हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए यही कबीरदास जी कहके गए हैं यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए साथियों जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं आशास्पद स्थिति दिखती है साथियों कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे इसके लिए तेजी से काम हो रहा है साथियों रामचरित मानस में बहुत ही शिक्षा बातें हैं सीखने जैसी बात है लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनियां भी है जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है रिपु रुज पावक पाप रिपु रुज पावक पाप प्रभु गनीय न छोट करी अर्थात आग शत्रु पाप यानि कि गलती और बीमारी इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए इसलिए याद रखिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है उल्लास का समय है एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है हमारी खुशियों को दुमिल कर सकती है जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी दो गज की दूरी समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना इसका ध्यान रखिए और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं त्योहार जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूं और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं मैं आज अपने मीडिया के साथियों से भी सोशल मीडिया में जो सक्रिय हैं उन लोगों से भी बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं कि आप जागरूकता लाने के लिए इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरण अभियान करेंगे ये आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी आप जरूर हमें साथ दीजिए देश के कोटि कोटि जनों को साथ दीजिए मेरे प्यारे देशवासियों स्वस्थ रहिए तेज गति से आगे बढ़िए और हम सब मिलकर के देश को भी आगे बढ़ाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्र दशहरा ईद दीपावली छठ पूजा गुरु नानक जयंती समेत सभी त्योहारों की सभी देशवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं धन्यवाद